हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं C#.NET में मल्टी थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट। सो मल्टी थ्रेडिंग के बारे में डिस्कस करने से पहले हमको सिंपल ये पता होना चाहिए पहले कि आखिर थ्रेड का क्या वर्क होता है, यानी कि थ्रेड होता क्या है हमारे C#.NET प्रोग्रामिंग में। सो अ थ्रेड इज़ एन इंडिपेंडेंट एग्जीक्यूशन पाथ। थ्रेड को अगर सिंपली हम कहें तो ये एक इंडिपेंडेंट एग्जीक्यूशन पाथ होता है जिसके अंदर एबिलिटी होती है, मतलब एबल टू रन साइमल्टेनियसली विद अदर थ्रेड्स। मतलब थ्रेड जो होता है वो एक इंडिपेंडेंट एग्जीक्यूशन पाथ होता है जिसके पास एबिलिटी होती है कि वे अदर इंडिपेंडेंट एग्जीक्यूशन पाथ्स जो हैं उनके साथ वह साइमल्टेनियसली, यानी कि उनके साथ वह एक साथ वह सब रन कर सकें। अ C# क्लाइंट प्रोग्राम, यानी कि कंसोल एप्लीकेशन जो होती हैं और विंडोज़ एप्लीकेशन जो होती हैं, स्टार्ट इन अ सिंगल थ्रेड क्रिएटेड ऑटोमेटिकली बाय द CLR। यानी कि जो क्लाइंट प्रोग्राम होते हैं C# के, जो कि हमारे कंसोल बेस्ड होते हैं या विंडो बेस्ड होते हैं या WPF बेस्ड होते हैं, वह स्टार्ट होते हैं सिंगल थ्रेड के साथ जो कि ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देता है हमारा CLR एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम। CLR और ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो उसे ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देता है, और ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प से ऑपरेटिंग सिस्टम द मेन थ्रेड इज मोड मल्टी थ्रेडेड बाय क्रिएटिंग एडिशनल थ्रेड। और ऑपरेटिंग सिस्टम जो मेन थ्रेड होती है जिसकी हेल्प से यह सारा फिनोमेनन जो है वह रन होता है, वह करता है कि वह मल्टी थ्रेडेड जो और भी थ्रेड्स होती हैं उनको वह क्रिएट कर देता है जो कि एडिशनल थ्रेड का काम करती हैं विद द इंडिपेंडेंट एग्जीक्यूशन पाथ, यानी कि सिंगल थ्रेड के साथ वह मल्टी थ्रेड्स को भी ऐड कर देता है। अब आइए डिस्कस करते हैं थ्रेड्स की प्रॉपर्टी के बारे में कि थ्रेड्स की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं। सो अगर हम बात करें करंट थ्रेड के बारे में तो करंट थ्रेड जो होती है रिटर्न द इंस्टांस ऑफ करंटली रनिंग थ्रेड, यानी कि वह हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है कि हमारी करंटली कौन सी थ्रेड जो है वह रन हो रही है। सेकंड अगर हम प्रॉपर्टी की बात करें तो इज़ अलाइव मतलब एग्जिस्टेंस चेक करने के लिए कि चेक्स वेदर द करंट थ्रेड इज़ अलाइव और नॉट, यानी कि इज़ अलाइव जो प्रॉपर्टी होती है वह यह चेक करती है कि हमारी जो करंट थ्रेड है वह वर्किंग कंडीशन में है या नहीं। इट इज़ यूज्ड टू फाइंड द एग्जीक्यूशन स्टेटस ऑफ द थ्रेड। और इज़ अलाइव जो है वह इसलिए भी यूज़ की जाती है ताकि वह फाइंड कर सके एग्जीक्यूशन स्टेटस जो होता है थ्रेड का, यानी कि उसका एग्जीक्यूशन स्टेटस अगर वह अलाइव है तो उसका एग्जीक्यूशन स्टेटस क्या है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है इसकी इस बैकग्राउंड जो प्रॉपर्टी होती है उसकी हेल्प से इज़ यूज टू गेट और सेट वैल्यू वेदर करंट थ्रेड इज़ इन बैकग्राउंड और नॉट। यह जो इस बैकग्राउंड प्रॉपर्टी है उसको हम यूज़ करते हैं वैल्यू को गेट यानी कि टेक करने के लिए और गिव करने के लिए कि हमारा जो करंट थ्रेड है वह बैकग्राउंड में वर्क कर रही है या नहीं। मैनेज्ड थ्रेड आईडी, यानी कि मैनेज्ड थ्रेड आईडी जो प्रॉपर्टी होती है हमारी वह हम इसलिए यूज़ करते हैं इज़ यूज टू गेट यूनिक आईडी फॉर द करंट मैनेज थ्रेड, यानी कि जो हमारी करंट मैनेज्ड थ्रेड है उसको हम एक यूनिक आईडी प्रोवाइड करते हैं। यूनिक आईडी के प्रोवाइडेंस की वजह से वह यूनिकली कॉल होती है। देन नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है हमारी नेम की अगर बात करें तो इज़ यूज टू गेट और सेट द नेम ऑफ द करंट थ्रेड, यानी कि नेम जो प्रॉपर्टी होती है उसके थ्रू हम करंट थ्रेड को नेम दे भी सकते हैं और उसके नेम को हम गिव मतलब अचीव भी कर सकते हैं। प्रायोरिटी की बात करें हम तो प्रायोरिटी में क्या होता है इज़ यूज टू गेट और सेट द प्रायोरिटी ऑफ द करंट थ्रेड। जिस तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम में शेड्यूलिंग होती है, शेड्यूलिंग के अकॉर्डिंग हम क्या प्रायोरिटी सेट करते हैं, वैसे ही सेम क्या होता है यहाँ पर इज़ यूज टू गेट और सेट द प्रायोरिटी ऑफ द करंट थ्रेड, यानी कि इसके थ्रू हम
जो प्रायोरिटी है उसको हम सेट कर सकते हैं करंट थ्रेड की। देन नेक्स्ट होता है हमारा थ्रेड स्टेट। विद द हेल्प ऑफ थ्रेड स्टेट प्रॉपर्टी ऑफ थ्रेड इज यूज टू रिटर्न अ वैल्यू रिप्रेजेंटिंग द थ्रेड स्टेट, यानी कि इसके थ्रू जो हमारी थ्रेड स्टेट होती है यानी कि वो किस स्टेट में है उसके अकॉर्डिंग वह उसके लिए वैल्यू रिटर्न करता है। तो ये हमने डिस्कस जो करा आज, हमने ये थ्रेड की हमने डेफिनेशन के बारे में डिस्कस करा कि थ्रेड आखिर हमारी होता क्या है। हमें ये पता चला कि थ्रेड जो होता है वो हमारा इंडिपेंडेंट एग्जीक्यूशन पाथ होता है, जो कि अदर इंडिपेंडेंट एग्जीक्यूशन पाथ यानी कि अदर थ्रेड्स के साथ साइमल्टेनियसली रन होता है विद द हेल्प ऑफ CLR। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमने डिस्कस करा। अब हम नेक्स्ट जो डिस्कस करने जा रहे हैं थ्रेड लाइफ साइकिल के बारे में, यानी कि इसकी थ्रेड की जो लाइफ साइकिल होती है वो हमारी किस तरीके से वर्क करती है। सो अ थ्रेड लाइफ लाइज ओनली इन वन ऑफ द शोन स्टेट्स एट एनी स्टैंड, यानी कि थ्रेड जो होती है वह इन स्टेट्स में वर्क करती है। फर्स्ट स्टेट की बात करें तो हमारी अनस्टार्टेड स्टेट होती है, सेकेंड स्टेट जो होती है वो हमारी रनेबल स्टेट होती है, थर्ड स्टेट जो होती है वो हमारी रनिंग स्टेट होती है, देन फोर्थ स्टेट जो होती है वो हमारी नॉट रनेबल स्टेट होती है, एंड लास्ट स्टेट होती है हमारी डेड। सो आइए सिक्वेंसली इन स्टेट्स के बारे में जो कि हमारी थ्रेड लाइफ साइकिल में डिस्कस हुई हैं उनके बारे में हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट वन स्टार्ट करते हैं हम अनस्टार्टेड स्टेट। व्हेन एन स्टार्ट ऑफ अ थ्रेड क्लास इज क्रिएटेड, यानी कि जब हमने थ्रेड क्लास के लिए एक इंस्टांस क्रिएट किया है इट इज़ इन द अनस्टार्टेड स्टेट, तो जब उसको हम क्रिएट करेंगे तो वह अनस्टार्टेड स्टेट में होगा। मीन्स द थ्रेड हैज़ नॉट येट स्टार्टेड, इसका यह मतलब हुआ कि जो थ्रेड हमारा जो है वह फिलहाल स्टार्ट नहीं है रन होने के लिए। When the thread is in this state, जब thread हमारी इस state में होता है, और in other words, start method is not called, जब thread हमारा unstarted state में होता है तो हमारा start method जो है वह call नहीं होता। इसको हम इस तरीके से लिखते हैं thread THR equal to new thread, यानी कि जब हमने यहाँ पर एक thread class में thread को create कर रहे हैं सो हेयर THR इज एट अनस्टार्टेड स्टेट। THR जो यानी कि थ्रेड है हमारी वो यहाँ पर अनस्टार्टेड स्टेट में है। देन नेक्स्ट स्टेट की हम बात करें तो नेक्स्ट स्टेट हमारी होती है रनेबल स्टेट। ए थ्रेड दैट इज़ रेडी टू रन इज मूव्ड टू रनेबल स्टेट, जब हमारी थ्रेड रेडी हो जाती है रन होने के लिए तो वह मूव कर जाती है रनेबल स्टेट पर। इन दिस स्टेट अ थ्रेड माइट एक्चुअली बी रनिंग, इस स्टेट में जो थ्रेड होती है वो एक्चुअल में रनिंग हो रही होती है उसकी, यानी कि रन हो रही होती है वो, और इट माइट बी रेडी टू रन, या फिर वह रन होने के लिए रेडी होती है एट एनी इंस्टांस ऑफ टाइम, मतलब एट एनी टाइम वह रन हो सकती है या एट एनी टाइम वह रनिंग स्टेट पर चल रही होती है। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द थ्रेड शेड्यूलर टू गिव द थ्रेड टाइम टू रन, यानी कि यह एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है रनेबल स्टेट में थ्रेड शेड्यूलर की कि वह कुछ टाइम दे रन होने के लिए थ्रेड को। और इन अदर वर्ड्स स्टार्ट मेथड इज कॉल्ड, यानी कि जब हमारी थ्रेड अनस्टार्टेड स्टेट में होती है तब वहाँ स्टार्ट मेथड जो होता है वह कॉल नहीं होता, बट रनेबल स्टेट में जब हमारी थ्रेड एबल होती है रन होने के लिए तब स्टार्ट मेथड कॉल होता है। देन नेक्स्ट आती है हमारी रनिंग स्टेट। A thread that is running or in other words the thread gets the processor, यानी कि running state में हमारी जो thread होती है या तो वो run हो रही होती है या वह processor पर permission के लिए जाती है। Not runnable state, a thread that is not executable because, एक thread जो है वह executable state में नहीं होती क्योंकि या तो स्लिप मेथड को कॉल कर दिया जाता है या फिर वेट मेथड को। स्लिप मेथड को कॉल कर दिया जाता है तो वह यानी कि कुछ देर के लिए वह एग्जीक्यूट नहीं होता, देन वेट मेथड में वह अपनी प्रायोरिटी के लिए वेट करता है।
ड्यू टू इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट, यानी कि इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट होती है, इसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल होती है वह कि वह रन नहीं होती, एग्जीक्यूशन स्टेट में नहीं होती, देन सस्पेंड मेथड इज कॉल्ड, या फिर सस्पेंड मेथड जो है उसको कॉल कर दिया गया होता है, जिसकी वजह से वो हमारा एग्जीक्यूशन स्टेट में एवेल नहीं होता। देन नेक्स्ट है डेड स्टेट, लास्ट जो हमारी लाइफ साइकिल की स्टेट आती है वह हमारी होती है डेड स्टेट। व्हेन द थ्रेड कंप्लीट इट्स टास्क, यानी कि जब थ्रेड जो होती है वह अपना टास्क कंप्लीट कर लेती है, देन थ्रेड एंटर्स इनटू डेड टर्मिनेट एबॉर्ट स्टेट। अब क्या होता है, जब हमारी थ्रेड अपना वर्क कंप्लीट कर लेती है तो वह थ्रेड डेथ स्टेट में एंटर कर जाती है और टर्मिनेट हो जाती है। यहाँ पर सिंटैक्स डिफाइन किया हुआ है, पब्लिक थ्रेड स्टेट गेट और पब्लिक बूल इज अलाइव गेट, यानी कि यहाँ पर सिंटैक्स डिफाइन किया हुआ है कि वह उसकी जो प्रॉपर्टी है इज अलाइव उसको चेक कर रहा है वो, ठीक। और जब वह हमारा उसने टास्क कंप्लीट कर लिया फिर वो एट लास्ट में हमारा डेड स्टेट में चला गया, ठीक। तो आज हमने जो डिस्कस किया वो आज हमने डिस्कस किया थ्रेड के कॉन्सेप्ट को। थ्रेड के कॉन्सेप्ट में हमने ये जाना कि हमारी जो थ्रेड होती है वह इंडिपेंडेंट एग्जीक्यूशन पाथ होता है हमारा, उसमें इंडिपेंडेंट एग्जीक्यूशन पाथ होता है हमारा थ्रेड में, और जो कि एबल होता है अदर जो हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इंडिपेंडेंट पाथ होते हैं उनके साथ रन होने के लिए, जो कि न्यू थ्रेड को रिस्पॉन्सिबिलिटी जो क्रिएट करने की होती है वह ऑपरेटिंग सिस्टम और CLR की होती है, जो कि उसके साथ कुछ और एडिशनल थ्रेड्स को कनेक्ट कर देता है। या कुछ थ्रेड्स की हमने प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस किया, जैसे कि करंट थ्रेड इज अलाइव, इज बैकग्राउंड, मैनेज थ्रेड, नेम, प्रायोरिटी, थ्रेड स्टेट, ये कुछ हमारी प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस किया। और आज हमने जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स इन थ्रेड जो डिस्कस किया वो हमने डिस्कस किया थ्रेड की लाइफ साइकिल के बारे में, यानी कि थ्रेड की हमारी लाइफ साइकिल क्या होती है, यानी कि फर्स्टली वे अनस्टार्टेड स्टेट में होती है, यहाँ पर हम स्टार्ट मेथड को कॉल नहीं करते क्योंकि यहाँ पर हमारी अनस्टार्टेड मेथड है। रनएबल स्टेट में जब वो एबल हो जाती है थ्रेड रन होने के लिए तो हम यहाँ पर स्टार्ट मेथड को कॉल करते हैं। देन रनिंग स्टेट में क्या होता है कि हमारी जो थ्रेड होती है वह रनिंग स्टेट में होती है। देन नॉट रनएबल स्टेट में क्या होता है कि या तो हमने स्लिप मेथड को कॉल किया है या हमने वेट मेथड को कॉल किया है या फिर हमने सस्पेंड मेथड को कॉल किया है या फिर इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट की वजह से वह अनएग्जीक्यूटिंग स्टेट में होती है। डेड स्टेट क्या होता है, जब थ्रेड अपना टास्क कंप्लीट कर लेती है तो वह डेड स्टेट में चली जाती है। सो आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सो आज के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।